वर्ल्ड कप 2023 में बवाल विकेट। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि कोई बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले आउट हो जाता है, बिना के वो रन आउट हुए। बल्लेबाज मैदान पर आता है और वापस चला जाता है। वनडे वर्ल्ड कप में एक ऐसा वाकया जिसने सोशल मीडिया पर खलबली पैदा कर दी है। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोमांचक मुकाबले के साथ कई विवाद भी सामने आए हैं। इसी बीच एक ऐतिहासिक विवाद सोमवार 6 नवंबर को सामने आया है। इस दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में खेलने मैदान पर उतरी। इसी बीच श्रीलंकाई प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज अजीब तरीके से आउट हुए और ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। इसके बाद बेईमानी के आरोप बांग्लादेश के शकीब अल हसन पर लगे, लेकिन क्या सच में वो बेईमानी थी? और अगर बेईमानी थी तो एम्पायर ने उन्हें आउट क्यों दिया? क्या कहता है क्रिकेट का नियम और क्या है उस मामले की जड़? हम आपको पूरा मैटर बताएंगे और उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा क्या शकीब अल हसन ने सही किया या नहीं। चलिए जानते हैं उस पूरे मुकाबले के बारे में। यह पूरा वाकया श्रीलंका पारी के दौरान 25वें ओवर में हुआ। यह ओवर बांग्लादेश टीम के कप्तान और स्पिनर शाकिब अल हसन ने किया था। शाकिब ने दूसरी बॉल पर ही सदरिया वक्रमा को कैच आउट कराया। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज अगले बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए, मगर इसी दौरान उनसे एक गड़बड़ी हो गई। मैथ्यूज सही हेलमेट नहीं ला पाए थे। उन्होंने क्रीज पर आकर दूसरा हेलमेट लाने के लिए पवेलियम की ओर साथी खिलाड़ियों के लिए इशारा किया, मगर इसी बीच शाकिब ने मैदानी एम्पायर से टाइम आउट की अपील कर दी। वीडियो देखने से लगा कि पहले तो मैदानी एम्पायर को ये मजाक लगा, लेकिन शाकिब ने समझाया कि वो सच में अपील कर रहे हैं। तब दोनों मैदानी एम्पायर ने आपस में बात करी और मैथ्यूज को टाइम आउट करार दे दिया। इस तरह श्रीलंकाई टीम ने एक ही बॉल पर 2 विकेट गंवा दिए और एम्पायर के फैसले के बाद मैथ्यूज को निराशा हाथ लगी। बगैर बॉल खेले ही मैदान से बाहर जाना पड़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई प्लेयर इस तरह टाइम आउट हो जाता है। क्या कहता है रूल? दरअसल क्रिकेट का ये रूल है कि विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर अगली बॉल खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि नया बल्लेबाज ऐसा करने में सक्षम नहीं होता तो उसे आउट करार दिया जाता है, उसे टाइम आउट कहते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल जो मैथ्यूज ने टाइम लिया वो 5 से 6 मिनट का था। शाकिब अल हसन ने अपील करी तो फिर आउट दे दिया गया एम्पायर के द्वारा। ये मांकडिंग की तरह ही है, ये एक नया विवाद है, ये एक नया टूल है। खैर, क्या शाकिब ने सही किया या गलत, एम्पायर से अपील उन्हें करनी चाहिए थी या खेल भावनाओं को दिखाना चाहिए था, ये रूल है और उसी के तहत उन्हें आउट दिया गया है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में?